जय हिंद साथियों, बड़ी खुशखबरी, बीएसएफ का एक और बड़ा रिक्रूटमेंट आ चुका है। बड़ा व बम्फर पदों का ये रिक्रूटमेंट है। 1300 से ज़्यादा पदों का रिक्रूटमेंट, ऐसे रिक्रूटमेंट जो बीएसएफ में काफ़ी लंबे समय से नहीं हो पा रहे थे, वो बड़े बड़े रिक्रूटमेंट आ चुके हैं। बीएसएफ में बड़ी व बम्फर भर्ती आप लोगों के लिए शुरू हो चुकी है। अगर आपका भी सपना है बीएसएफ में भर्ती होने का, तो एक और रिक्रूटमेंट आ चुका है। ऑनलाइन फॉर्म आप लोगों के लिए शुरू हो चुके हैं। और दोस्तों, यहाँ पर कब से लेकर कब तक आप अप्लाई कर पाएंगे, अलग अलग आप लोगों की वैकेंसीज कितनी है, कितनी तारीख तक आप अप्लाई कर पाएंगे, एग्जाम आपका कब तक होगा, फिजिकल में आप लोगों का क्या क्या होने वाला है, इसको लेकर पूरी की पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में डिटेल से आपको बताने वाले हैं। ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला है। अगर आप भी बीएसएफ में भर्ती होना चाहते हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है, वो आपको सिलेक्शन में काफी हद तक मदद यहां पर करने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों नंबर ऑफ वैकेंसी के बारे में। तो टोटल आपकी 1300 के लगभग वैकेंसी है। तो यहां पर दोस्तों दो अलग अलग पोस्टों के लिए आपका रिक्रूटमेंट निकला है। जो पहली पोस्ट रहेगी आपकी हेड कांस्टेबल आरओ की रहेगी, और यहां पर आपके टोटल 982 वैकेंसी है। वही हेड कांस्टेबल आरएम के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहां पर आपकी जो टोटल वैकेंसी रहेगी वो 330 वैकेंसी रहेगी। अगर बात करें दोस्तों अप्लाई की बात करें, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 20 अगस्त से आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं, और 19 सितंबर तक आप लोग इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन मोड के आधार पर आप लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट किया जाएगा। सैलरी काफी अच्छी है दोनों ही पोस्टों के लिए। अगर बात करें तो 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक आपको यहां पर सैलरी मिलने वाली है, जो कि काफी अच्छी सैलरी आप लोगों को। वही बात करें दोस्तों इस रिक्रूटमेंट के एज क्राइटेरिया के बारे में, उसके बाद में बात करेंगे दोस्तों यहां पर कि आपका एग्जाम होगा या पहले फिजिकल होगा। एग्जाम होगा तो कब तक होगा, उसकी डेट भी यहां पर आ चुकी है। फिजिकल की डेट आ चुकी है, मेडिकल की डेट भी आप लोगों की आ चुकी है। बीएसएफ काफी तेज गति से प्रोसेस करवा रहा है। अगर यहां पर बात कर लेते दोस्तों एज क्राइटेरिया की, तो मिनिमम जो आपकी एज रहेगी वो 18 साल रहेगी। मैक्सिमम अगर आपकी एज 25 साल है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आप 28 साल तक अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट है तो आप 30 साल तक भी इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों आपको एक छोटी सी जानकारी बता देता हूं, अगर आपने बीएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल व ट्रेड टेस्ट पास कर लिया है, तो आप लोगों की रिटर्न की डेट आ चुकी है, और रिटर्न की तैयारी के लिए आप लोगों के लिए वर्दी बैच आ चुका है, जिसमें संपूर्ण आपको तैयारी की करवाई जाएगी 100% सिलेक्शन के साथ में, जिसमें ऑल सब्जेक्ट की क्लासे आपको मिलेगी, बेसिक बेस्ट फैकल्टी के साथ में बेसिक से लेकर एडवांस तक सभी टॉपिकों को कवर करवाया जाएगा। और ये दोस्तों कोर्स आपको 999 रुपये में मिल रहा था, लेकिन अब अगर आप इसे परचेज करते हैं तो मात्र 399 रुपये में संपूर्ण तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी, जिसमें आपको संपूर्ण क्लासें, पीडीएफ, नोट्स वगैरह, उसके साथ ही आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जाएगी, आपको प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। अगर आप मार्केट से बुक परचेज करते हैं तो 250-300 से कम में आपको बुक नहीं मिलती, लेकिन यहां पर आपको 399 रुपए में पूरी की पूरी संपूर्ण रिटर्न एग्जामिनेशन की तैयारी है वो करवाई जाएगी। तो अभी जाके आप प्ले स्टोर से बाबूफौजी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और अभी से अपनी तैयारी में जुड़ जाएगा। और इस बार दोस्तों अपना जो सपना है बीएसएफ ट्रेड्समैन में भर्ती होने का, वो अपना सपना है वो यहां पर साकार करें। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर आप लोगों का सबसे पहले रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, जो कि फर्स्ट पेज में होगा, और वो रिटर्न आपका ओमआर बेस्ड होगा। जी हां दोस्तों, ओमआर बेस्ड आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, और एग्जाम आपका होगा वो होगा 20 नवंबर 2022 को, संडे को। जी हां दोस्तों, संडे को आपको 20 नवंबर को आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा। डेट यहां पर आ चुकी है, 20 नवंबर कन्फर्म डेट आ चुकी है। तो यहां पर दोस्तों फर्स्ट पेज में आप लोगों का रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, और रिटर्न में जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उनका सेकंड फेज में पीटी और पीएचटी करवाया जाएगा, और पीटी और पीएचटी आपका 16 जनवरी 2023 को होगा, और उसके बाद में आप लोगों का ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, मेडिकल आपका 15 फरवरी को का होगा। तो यहां पर दोस्तों अगर बात करें तो मार्च अप्रैल तक आपको एक सरकारी जॉब, मतलब एक फोर्सेज की जॉब आप लोगों को मिल जाएगी, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो। इतना जल्दी प्रोसेस बीएसएफ करवाने वाली है, क्योंकि सभी की डेट है वो नोटिस में यहां पर जारी कर दी गई। इसके ये पूरी जानकारी आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो दोस्तों ये नोटिस आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, जहां जाके आप पूरी की पूरी जानकारी डिटेल से देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय